सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है भाई आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप अपने जियो की पेड फोन में जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिना नंबर के। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप इस छोटी सी फोन में जीमेल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिना कोई फोन नंबर के। दोस्तों आपने देखा होगा, जब आप यूट्यूब पे जाते हो और वहाँ पे न्यू क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हो और वहाँ पे जीमेल जब आप बनाते हो तो वहाँ पे आपको फोन नंबर मांगा जाता होगा, ठीक है। बट दोस्तों आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो मैं आज ट्रिक बताने वाला हूँ उस ट्रिक से आप जीमेल अकाउंट बना सकते हो, वो भी बिना नंबर के, ठीक है। तो अगर आपके पास भी कोई जियो का फोन है और आप चाहते हो उसमें जीमेल अकाउंट को क्रिएट करना वो भी बिना नंबर के, तो भाई इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना। एंड यार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भाई कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि भाई यही हमारी मेहनत होती है। और आप हो कि बस वीडियोस देखते हो और चैनल को छोड़ के चले जाते हो, तो भाई मुझे आपसे पूरी उम्मीद है भाई कि आप ऐसा नहीं करोगे, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने जियो फोन ओपन कर लेना है, देन आपको अपने जियो फोन का डाटा, अगर आपके अपने फ़ोन में सिम लगा हुआ है तो उसका डाटा ऑन कर लेना। तो मेरे मोबाइल में सिम नहीं लगा हुआ है तो हम वाईफाई कनेक्ट कर लिए। तो वाईफाई कनेक्ट कर लेने के बाद आपको बैक आ जाना है, देन आपको ऐप्स में चले आना है और दोस्तों यहाँ पर आपको ढूंढना है ब्राउज़र, ठीक है दोस्तों। तो हम ब्राउज़र में चले जाते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्राउज़र है, सिंपली आपको ब्राउज़र को ओपन करना है। दोस्तों मेरा जो यहाँ पे ब्राउज़र है वो ओपन हो गया है। एंड दोस्तों ओपन होने के बाद यहाँ आपको ध्यान से देखना है भाई, यहाँ पे आपको सर्च बार में सर्च करना है गूगल हेल्प, ठीक है दोस्तों। आप देख लो अच्छे से, यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल हेल्प। तो दोस्तों यहाँ पे आपको गूगल हेल्प लिख कर सर्च कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैंने सर्च कर दिया। एंड दोस्तों जैसे आप सर्च करोगे तो भाई यहाँ पे फर्स्ट वाले वेबसाइट पे आपको जो दिखेगी गूगल हेल्प, आप देख सकते हो यहाँ पे एक वेबसाइट है गूगल हेल्प करके। तो सिंपली आपको इस गूगल हेल्प पे क्लिक करना है। देन दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे देखने को मिल रहा होगा साइनिंग, ठीक है। तो सिंपली आपको साइनिंग पे क्लिक करना है, तो हम साइनिंग पे क्लिक कर लेते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्रिएट अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे आपको दूसरे नंबर में देखने को मिलेगा नेक्स्ट, तो आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फॉर माई पर्सनल यूज़ और सेकेंड नंबर में आपको देखने को मिलेगा फॉर माई चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको फॉर माई पर्सनल यूज़ पे क्लिक करना है, ठीक है, जो कि फर्स्ट नंबर में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको बोला जाएगा फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे आपको अपने फर्स्ट नेम जो भी हो डाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम मैं डाल लेता हूँ। मैं यहाँ पे जैके लिख लेता हूँ और लास्ट नेम में आपको जो भी नाम हो यहाँ पे लास्ट नेम में आपको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना लास्ट नेम लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे अपना फुल नेम लिख लेने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा डे, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ पे आपको डाल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डे डाल लेते हैं,
यहाँ पे आपको मंथ डाल लेना है, देख सकते हो यहाँ पे आपको मंथ डाल लेना है, ठीक है, जो भी आपका मंथ हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ईयर डाल लेना है, ठीक है, जिस वर्ष आपका जन्म हुआ हो यहाँ पे ईयर आपको डाल लेनी है, तो हम ईयर डाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे ईयर डाल लिए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे बोला जाएगा आपको जेंडर चूज करने को, तो आप जो भी यहाँ पे हो मेल फीमेल यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेल पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। देख दोस्तों यहाँ पे बोला जाएगा चूज योर जीमेल एड्रेस, ठीक है, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको बोला जाएगा आप दोनों में से कौन सा मतलब रखना चाहोगे, जो भी यहाँ पे आपको आसान लगे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला लिख लेते हैं JKDJ408, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेकंड नंबर वाला जीमेल अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है, देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्रिएट या स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट इंटर करना है, ठीक है, जो बाकी लोग अंदाजा ना लगा सके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम पासपोर्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको भी एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट यहाँ पे डाल लेनी है और उस पासपोर्ट को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने पासपोर्ट को जो है वो डाल लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। आपको उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे वही पासवर्ड आपको डालना है जो अभी आपने ऊपर में डाला हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेम पासवर्ड डालना है जो अभी आपने ऊपर डाला हो। तो वही पासवर्ड को मैं यहाँ पे इंटर कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर इस पासवर्ड को देखना चाहते हो तो यहाँ पे 100 पासवर्ड पे आप क्लिक कर सकते हो, जिससे आपका जो पासवर्ड वो दिखने लगेगा, ठीक है। तो आप देख सकती हो मैंने दोनों सेम पासवर्ड को यहाँ पे इंटर किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकती हो यहाँ पे लिख कर आ गया है रिकवर ईमेल एड्रेस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है और आपको घबराना भी नहीं है। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट और स्किप, ठीक है दोस्तों। तो आपको सिंपली यहाँ पे स्किप पे क्लिक करना है। आप अच्छे से देख लो, यहाँ पे आपको स्किप पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जाएगा ऐड फोन नंबर, ठीक है। तो गाइस मैंने बोला था जैसा कि आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्किप, ठीक है दोस्तों। तो आपको सिंपली स्किप कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पे मैंने कोई भी मोबाइल नंबर जो है वो ऐड नहीं किया है, ठीक है, मैंने स्किप कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है भाई। तो दोस्तों बस आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है भाई, जब तक ये सारे फॉर्मेलिटीज जो खत्म ना हो जाए, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते ही जाना है, ये बहुत ही लंबा होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक कैंसिल का, एक आई एग्री का, ठीक है। तो सिंपली आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो आपका जो जीमेल अकाउंट है वो प्रोसेसिंग ले रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई कि आपका जो जीमेल अकाउंट है वो बनके तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जीके नाम का जो मैंने अभी नाम लिखा था उस नाम से मेरा जो जीमेल अकाउंट है वो बनके तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो वही जीमेल अकाउंट जो है वो यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो जीमेल अकाउंट है वो बन गया है। उसके बाद दोस्तों अगर आप इससे अपने यूट्यूब पे साइन इन करना चाहते हो
तो वहाँ पे यही जीमेल अकाउंट डाल के और जो पासवर्ड आपने डाला हो उस पासवर्ड को वहाँ पे डाल देना, आपका जो जीमेल अकाउंट है वो सिंपली वहाँ पे साइनिंग हो जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप बिना नंबर के जीमेल अकाउंट कैसे बना सकते हो अपने जियो फ़ोन में। तो यार वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना भाई तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार। तो भाई मिलते हैं ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।